सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाया है उसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैंने जो भी ट्रेड लिया और वो ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से मुझे इसी लेवल के आसपास एंट्री मिला था। ये मैंने 9:30 के आसपास यहाँ पे एंट्री लिया। मैंने यहाँ पे 3 लॉट सेल किया था तो 10,882 के आसपास मैंने सेल किया और मेरा जो स्टॉप लॉस था 10,899 के आसपास। तो यहाँ पे जो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था मुझे 5-6 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन वापस जब ये ऊपर जाने लगा तो मेरा स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे इसी लेवल के आसपास निकलना पड़ा। तो मैंने इसी लेवल पे देखिए निकल गया है, 10,777 के आसपास स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों, ये बीच में मैंने और एक ट्रेड लिया था जो मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लिया है। तो ये जो स्टॉक मैंने लिया है ये मैंने हाइड करके रखा है क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से ये स्टॉक नहीं है, तो मैंने ऐसे मेरा एनालिसिस करके मैंने ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लिया है। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैंने जो भी ट्रेड किया वो ट्रेड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यहाँ पे मुझे 5 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो देखिए कितना पॉइंट मुझे प्रॉफिट हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ और मुझे कितना प्रॉफिट मिला ये फास्ट ट्रेड पे। मैंने 10,882.17 के आसपास शॉर्ट सेलिंग किया था। मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ 10,877.95 पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे 4.22 पॉइंट के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैंने 3 लॉट लिया था तो बेसिकली 950 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे देखिए फिर एंट्री आया 2:19 के आसपास, मुझे फिर वापस सेल करने के लिए एंट्री आया था तो 10,864 के आसपास मैंने सेल किया था। तो लगभग 10,864 जो आ रहा है ये लेवल के आसपास मैंने सेल किया था, इसी लेवल के आसपास। तो देखिए वापस ऊपर की तरफ चला गया और मेरा जो स्टॉप लॉस था मेरा स्टॉप लॉस 10,878 पे था, तो ये 10,878 पे वापस जाके हिट कर दिया। देखिए इसी लेवल के आसपास ये जाके फिर वापस हिट कर दिया तो मेरा वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मुझे ये सेकेंड जो ट्रेड मैंने लिया था ये रूल के हिसाब से मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मुझे कितना पॉइंट का नुकसान हुआ। तो 10,878.25 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने जो ट्रेड लिया था 10,864.17 पे। देखिए यहाँ पे 14 पॉइंट के आसपास मुझे नुकसान हुआ। तो मैंने 3 लॉट लिया था तो यहाँ पे 3,000 के आसपास मुझे नुकसान हो गया। तो देखिए मुझे पहले 950 के आसपास प्रॉफिट हुआ था और उसके बाद ये 3,000 के आसपास नुकसान हुआ। तो टोटल मुझे कितना नुकसान हुआ था यहाँ पे, देखिए मुझे 2200 के आसपास यहाँ पे नुकसान हुआ था। उसके बाद मैंने फिर वेट किया था कि मुझे जब रूल के हिसाब से जब ये एंट्री आएगा तब तो मैंने एंट्री लूंगा। तो ये 2:40 के आसपास देखिए मुझे 10,853.7 पे एंट्री करने के लिए सिग्नल मिला तो मैंने 10,853 के आसपास एंट्री किया, ये लेवल के आसपास मैंने एंट्री किया। और उसके बाद देखिए मार्केट कितना तेजी से नीचे की तरफ गया है। देखिए मैंने ये लेवल पे एंट्री किया और ये 3:18 के आसपास मैंने ये स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो देखिए मुझे यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, मैंने 10,853.7 पे एंट्री किया था और मैंने जो एग्जिट कर लिया 10,819.65 पे, मुझे यहाँ पे 34 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिल गया। तो मैंने 3 लॉट लेके ट्रेड किया था तो टोटल 7,661 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला और मेरा जो लॉस हुआ था 2,218.5 लॉस हुआ था। तो देखिए मुझे नेट 5,442 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला। तो मैंने यहाँ पे 5,442 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला है तो 5,441.25 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये मैंने और एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये मैंने एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ या ये एक्चुअल प्रॉफिट है। मैंने और एक बार ही रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी 5,441 का प्रॉफिट है और मैंने ये जो स्टॉक मैंने हाइड किया है ये बेसिकली मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लिया है, इसलिए मैंने इसको हाइड करके रखा है क्योंकि ये स्टॉक मैंने मेरा एनालिसिस के हिसाब से लिया है और ये निफ्टी फ्यूचर का जो इंट्राडे स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने ये नहीं लिया है, ठीक है। दोस्तों आज मैंने ये निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो लाइव ट्रेड किया था इसी लाइव ट्रेड पे मुझे 5,441 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों ये मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया है ये बेसिकली पेड स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये पेड स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।